चलिए इस बीच दो तीन स्टॉक्स को देख लेते हैं और जी बिजनेस के हेड कॉल्स को देखिए आप आज जिन्होंने शानदार मूव दिया आज। इस क्रम में सबसे ऊपर आप देखें जो स्टॉक था जिसमें काफ़ी अच्छा खासा मूव रहा उसमें मुकुंद तब से अगर आप देखें लगभग 20 मिनट पहले आपको सजेस्ट किया गया था 3965 पर 12% और साथ ही साथ आज सुबह अगर आप देखें आपको आज सुपर शेड जो दिया गया था ऑटो इंडस्ट्रीज उसमें भी जोरदार तेजी। तो आखिरी के 20 मिनटों में पैसा कमाने का जरिया था मुकुंद, उस पर आपने बैट लगाया तो डेफिनेटली आप एक अच्छा खासा पैसा बना के बाहर निकले होंगे। आगे बढ़ते हैं और कुछ और सेट ऑफ स्टॉक्स को देखते हैं। ऑफलाइन इंडस्ट्रीज अगर आप देखें ऑलमोस्ट 4685 पर 20% के अपर फीस पर हाई है। चलिए इस बीच हम क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, दो ट्रेड्स और ऐड कर लेते हैं विद इन द इंडेक्स। एक स्टॉक और पूछ लेता हूँ आशीष आपसे चलते चलते और वो है इस पर शायद टेक्निकल से ज़्यादा फंडामेंटल से ज़्यादा आपको अपने दिल की सुननी पड़ेगी और वो है सिप्ला। एक ब्रेकडाउन केस था, ऑलमोस्ट एक गैप क्रिएट हुआ ऑन द डाउन साइड, उसको कंटिन्यू करा लेकिन एक पॉज आया है प्राइस में। क्या ये पुलबैक का कैंडिडेट हो सकता है बिकॉज ऑफ शॉर्ट कवरिंग? देखिए वीरेंद्र, अगर से हम लास्ट दो साल की एक ट्रेंड लाइन इसके अंदर में प्लेस करें तो एग्जैक्टली 465 के आसपास एक मेजर सपोर्ट स्टॉक के अंदर में आता है। डेफिनेटली एक डाउन ट्रेंड है और वीकनेस क्लियरली विजिबल है, बट मैं समझता हूँ जैसे आपने कहा एक पुलबैक की पॉसिबिलिटी बिल्कुल बनती हुई नजर आ रही है क्योंकि लास्ट दो तीन दिनों से ये टूटने के लिए तैयार नहीं है और कहीं ना कहीं नीचे के स्तरों में थोड़ी बाइंग आ रही, तो जिसको देखते हुए मुझे लगता है 480-490 तक का एक शॉर्ट टर्म पुलबैक देखने को मिल सकता है। बट ओवरऑल मुझे लगता है कि सेल ऑन राइज का एक कैंडिडेट है, तो बहुत ज़्यादा पोजिशनल लॉन्ग इसके अंदर कैरी करना मैं एडवाइजेबल नहीं करूँगा। चलिए आज के जो लूजर्स हैं एक बार वो देख लेते हैं। आज मिड कैप में जहाँ पर सेलिंग प्रेशर रहा है इसमें एक तो वक्रांगी है, साथ ही पिरामल एंटरप्राइज, टीवीएस मोटर्स, अजंता फार्मा, ये कुछ काउंटर्स हैं जिस पर सेलिंग प्रेशर रहा है। उधर निफ्टी में अगर आप देखें तो कोटक महिंद्रा बैंक टॉप लूजर, करीब 2% नीचे इंफोसिस, जी एंटरटेनमेंट, एशियन पेंट्स और अदानी पोर्ट, ये कुछ काउंटर्स हैं जहाँ पर ठीक ठाक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। लेकिन गौरांग, इंफोसिस अभी भी बायर डिप्स है क्या? मैं बिल्कुल ये मानता हूँ और नतीजों के पश्चात हमारा जो विश्वास है वो और भी मजबूत हो चुका है कि आने वाले समय में आपको शानदार परफॉर्मेंस, प्राइस परफॉर्मेंस नतीजों के आधार पर देखने मिलेगा। 1350 का लक्ष्य मेरे ख्याल से निर्धारित किया इंफोसिस पर हमने। चलिए हम क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं और एक दो स्टॉक्स और देखते हैं, फिर मैं इनफैक्ट क्लोजिंग कमेंट्स देखूंगा एग्जैक्टली अगर आप देखें मार्केट की क्या है अपने आप में और स्टैटिस्टिक्स वाइज और ये एफ एंड ओ की क्या है। एक L&T आज का सबसे खराब देखें, प्राइस वाइज लेवल वाइज L&T सबसे स्ट्राइकिंग स्टॉक है अगर आप देखें 15-12 के स्तर पे। बैंकिंग में आई थिंक आप ही कह सकते हैं कि कमांडिंग पोजीशन में आज रहे PSU बैंक्स इन द लीडरशिप ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बहुत तेज नहीं रहा लेकिन फिर भी अगर आप देखें इसका जो प्राइस बिहेवियर है वो इंडिकेट कर रहा है कि मैं अभी 205-210-215 की ट्रेजेक्ट्री में ही रहूँगा, मेरे को ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स की इस वक्त पॉसिबिलिटी नज़र नहीं आ रही इस पर। और एक लार्ज कैप IT में HCL टेक्नोलॉजीज, इसने अपना अगर आप देखें एक गिरता हुआ क्रम जो था उसको रोका और एक पुलबैक देने की कोशिश करी। फार्मा में लुपिन आज की एक खराब स्टोरी रही, उसने अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट, हालांकि बहुत खराब क्लोजिंग की तरफ नहीं बढ़ रहा है, थोड़ा रिकवर हुआ लेकिन ऑलमोस्ट एक समय इसने ऐसा आया था जब 1400 को वॉलेट करने की तैयारी कर ली थी। और एक और स्टॉक HCL टेक्नोलॉजीज के बाद अगर आप देखें जिसमें अच्छा मूव था वो था NTPC। ये एक ऐसा स्टॉक नहीं जिसको मैं शायद सुबह लेकर शाम तक एक अच्छा प्रॉफिट लेके निकल जाऊं या फिर किसी सीरीज में पार्टिसिपेट करूं और प्रॉफिट लेके निकल जाऊं, लेकिन याद रखिए ये ऑलमोस्ट CY16 के आज हाईएस्ट लेवल पे क्लोज हो रहा है। और अगर मैं साल दर साल पैमाइश करूं तो शायद जी हाँ, ये 52-week हाई पे था NTPC आज 148.70। पूरे स्पेस में वाइब्रेंसी थी, द लीडरशिप ऑफ आई थिंक NTPC इन टर्म पावर, अच्छा मूव दिया उसने। और एक आज 5 रुपये ऊपर करीब करीब 1382 के स्तर पर, बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग नहीं लेकिन एक कमांडेबल क्लोजिंग हो सकती थी अगर ये स्टॉक लगभग 1390-1395 के आसपास M&M क्लोज हुआ होता। लेकिन याद रखिए धीरे धीरे ग्रेजुअली ये एक बहुत बेहतरीन ब्रेकआउट की तरफ बढ़ रहा है। M&M आपकी स्क्रीन पर 1383। उसके बाद आइए थोड़ा सा मिड कैप में चलते हैं, जिन स्टॉक्स ने आज मिड कैप में सब्सटेंशियल गेन दिया और विद स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स इस क्रम में सबसे ऊपर अगर आप देखें शिपयार्ड 5% ऊपर रहा, शानदार तेजी यहाँ पर, पुंज लॉयट, GVK पावर, इंडियन बैंक, टाटा ग्लोबल अगर आप देखें 125-80 के स्तर पे, ऑप्टो सर्किट्स, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, BEL 1282 के स्तर पे, 65 रुपये आज ऊपर रहा स्टॉक, जुबिलेंट फूड्स 1057 पे, BML, सिंटेक्स इंडस्ट्रीज, लैंको इंफ्रा अगर आप देखें एक स्ट्रॉन्ग मूव था, टाटा पावर, निफ्टी गेनर्स में अगर आप देखें सबसे ऊपर रहा आज लगभग 3% ऊपर रहा। उसके बाद
एचसीएल टेक्नोलॉजीज करीब करीब 743 पे करीब 17 रुपए ऊपर है। उसके बाद अगर आप देखें तो अंबुजा सीमेंट्स आज इसने चौंकाया अपने प्राइस बिहेवियर के साथ। पावर ग्रिड लगभग 4.5 रुपए ऊपर, जैसे कि मैंने कहा पावर स्पेस में काफी स्ट्रॉन्ग हुआ था। कैपिटल गुड्स में अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 121-30 के स्तर पे 2% आज बीएचएल ऊपर रहा, और एलएनटी अगर आप देखें 2% ऊपर आज, और बीओबी अगर आप देखें 147.70 पे 2.25 रुपये ऊपर, और साथ ही साथ ओएनजीसी अगर आप देखें क्रूड के पुलबैक अगर आप देखें पूरा मजा इसने उठाया, आज 2.5% ऊपर 2.5 रुपये ऊपर रहा, और आईसीआईसी बैंक 257 के स्तर पे 3 रुपये ऊपर। और अगर आप लूजर्स की श्रेणी देखें जिनमें आज बाजार में अगर आप देखें जो थोड़ा सा परेशान नजर आया आज, कोटक महिंद्रा बैंक लगभग 14 रुपये नीचे, उसके बाद इन्फोसिस बैकफुट पे 19 रुपये नीचे। आज इनफैक्ट हमने इस पर एक पुट ऑप्शन सिक्योर करने की 1220 की पुट आपको रिकमेंड की थी कि आप खरीद के चलिए, इसमें पैसा बनेगा। जी एंटरटेनमेंट लगभग 6 रुपये नीचे, उसके बाद एशियन पेंट्स आज 1019 के स्तर पर बैकफुट पर लगभग 13 रुपये नीचे, दानी पोर्ट्स लगभग 2.5 रुपये नीचे, और HDFC बैंक लगभग 12 रुपये नीचे, येस बैंक लगभग 9 रुपये नीचे करीब 1057 के स्तर पे, और बॉश करीब करीब 158 रुपये नीचे 22,200 के स्तर पे, डॉक्टर रेडीज लगभग 20 रुपये नीचे 3,3135 के स्तर पे, और TCS 2615 के स्तर पे। मार्केट्स क्लोज हो चुके हैं ऑलमोस्ट, आप देखिए तो आपकी स्क्रीन पर 8,270 के स्तर पे, और सेंसेक्स लगभग 27,003 के स्तर पे लगभग 6 अंक नीचे, बिल्कुल फ्लैट। आई थिंक इससे फ्लैट नहीं हो सकता बाजार क्लोजिंग के वक्त, जब एज पर प्रोविजनल फिगर्स 6 अंक नीचे रहा हो सेंसेक्स, 3 अंक ऊपर रहा हो निफ्टी। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन शायद आज लार्ज कैप में नहीं, आज मिड कैप में, आज स्मॉल कैप में नहीं।